ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आलू जो है ना उबलने के लिए रख दिए हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है। और ये आलू मैंने काट काट के रखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बड़े बड़े आलू थे अच्छे से उबल नहीं पाते, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पीसों में काट के रखा है। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स ये जब उबल जाएंगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं अब पूजा कर रही हूँ शाम के टाइम की, और टाइम भी फ्रेंड्स 7 बजे के आसपास का टाइम है। और दूसरी तरफ मैंने आलू उबलने के लिए रखी दिए हैं। सो इतने जब तक आलू उबलेंगे मैं अपना जो भी है सारा काम निपटा लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी, और बच्चों को भी मैंने थोड़ा ये है टीवी देखने के लिए बिठा दिया है। और मेरा एक बेटा वीडियो शूट कर रहा है, बच्चों से बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हर जगह फ्रेंड्स वो ट्राइपॉड को तो लगा नहीं सकते, कभी बार बार फ़ोन उसमें सेट करना होता है, कभी निकालना होता है, तो यही चीज़ होता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने मंदिर की सफाई भी करी थी, और इसमें जो नीचे कपड़ा है ना, ये कपड़ा बिछाया था, क्योंकि हर वक्त इसमें मंदिर में धूल मिट्टी बैठ जाती थी, तो मुझे डेली साफ़ करना होता था, और सुबह साफ़ करती थी शाम तक धूल बैठ जाती थी, तो इसी वजह से मैंने जो है ना इसमें कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा ये है कि इतनी पता नहीं पड़ती है धूल मिट्टी की, और वो झड़ जाता है, और इसको मैं हर हफ्ते में चेंज कर दिया करूँगी। अब मैंने ये भी सोच रही थी फ्रेंड्स कि थोड़ा अपने अच्छे अच्छे से कपड़े इनके बिछाने के लिए तैयार करूँगी मैं, और उन पर लेस वेस भी लगाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने ये दो प्याज जो है ना बारीक बारीक काट के रख ली है, और मेरे आलू जो है ना वो भी बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। अब मैं इनको फटाफट से निकाल लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, मैं अब इन आलुओं को है ना इसमें प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इतने ये मेरे आलू जो है ना ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू मैंने सारे छील लिए हैं, और इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आलू को जो है ना ठंडे करके और इनको हाथों से ऐसे चूरा चूरा करके रख लिया है। और अब जो है इन आलुओं के अंदर मैं जो भी प्याज काटे हैं वो उसको मिक्स कर लूँगी। प्याज है और जो मेरे पास मसाले वगैरह सूखे मसाले जितने भी हैं उन सबको मैं फटाफट से इसमें मिक्स कर दूँगी। तो इधर मैंने मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं, नमक, मिर्च, और ये गरम मसाला, हल्दी तो नहीं, ये सब मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करके और अपने हाथों की मदद से इनको मिक्स कर लूँगी। एक अच्छे से इनका एक डोज बना लेना है। और इधर मैं आटा ले लिया है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी टेस्ट के हिसाब से, और इसको फटाफट से गूंद लूँगी। तो आटा मेरा गूंद चुका है फ्रेंड्स, और ये फ़ोन पता नहीं मैंने कैसे कैसे तरीके से वीडियो शूट कर दिया आज, पता नहीं उल्टे सीधे तरीके से, तो ये कभी तिरछी वीडियो बन जाती कभी कैसे। और अपना आटा भी फ्रेंड्स हमें ना ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा इसको लूज सा ही रखना है, क्योंकि फिर से हम आटे के अंदर जो लोई बनाते हैं उसमें पिट्ठी भरते हैं ना, वो फट जाते हैं। और अब मैं जो है ना आपको ये इसमें आलू की जो ये पिट्ठी है ये कैसे भरनी है, कैसे क्या करना है, वो आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे फ्रेंड्स, और ये है ना मोटे मोटे तो होते ही हैं, मतलब मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मतलब कम आटा कम लेना है, और इसके अंदर जो ये आलू की पिट्ठी सी है इसको ज़्यादा भरना है, वही टेस्टी लगती है। और ये मैं बच्चों को जो है ना दही के साथ दूँगी, और दोनों की पसंद है फ्रेंड्स, एक तो फीकी दही खाएगा और एक खाएगा मीठी दही, दोनों को मैं ऐसे करके देने वाली हूँ। Thank you.